नमस्कार, मैं उपेंद्र आपका फाइव स्टार किचन में स्वागत करता हूँ। दिवाली का सीजन चल रहा है और दिवाली में तरह तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग मीठा बनाते हैं, कुछ लोग नमकीन बनाते हैं, तो हम आज आपको मीठा बनाकर बताएंगे जो माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद भी है और सभी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आज हम आपको इंस्टेंट मिल्क पेड़ा बनाकर बताएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिल्क पेड़ा। तो सबसे पहले हम कढ़ाही या फिर पैन में आधा कप दूध डालेंगे। पिसी हुई चीनी आधा कप डालेंगे, मिक्स करेंगे। तो चीनी हमारी घुल गई है, अब हम एक कप मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा गाढ़ा होने तक हम इसे लगातार चलाएंगे। एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो मिश्रण हमारा गाढ़ा होने लगा है, अब इसमें हम आधा चम्मच घी डालेंगे। और मिक्स करेंगे। तो हमारा मिश्रण तैयार है, अब इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और उसके बाद हम पेड़े बनाएंगे। तो मिश्रण हमारा ठंडा हो गया है, अब इसे हम हाथों से रोल करेंगे इस तरह से लंबा। अब हम इस तरह का एक धागा लेंगे और धागे से हम काटते चले जाएंगे। धागा सबके घर में मिल जाता है, अगर धागा न हो तो आप चाकू की सहायता से भी इसे काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं धागे की सहायता से हमने इसे काट लिया है, कितना सुंदर कटा है ये। आप चाहें तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं। अब हम इसकी गार्निश पिस्ता और बादाम के साथ करेंगे। आप पेड़े को सजाने के लिए रोज पिंक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सुंदर दिखेगा। तो दोस्तों देखिए पेड़े कितने सुंदर बन गए हैं और कितना बेहतरीन लग रहा है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बच्चे बूढ़े बहुत पसंद करते हैं इसे। तो हमने आपसे रेसिपी शेयर की है, आप भी हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ, नए ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद।